आखिर माता पार्वती ने क्यों दिया इन चार देवताओं को इतना भयंकर श्राप। एक बार महादेव चौसर खेलते समय माता पार्वती से सब कुछ हार गए और अपने पिता को हाथा देकर कार्तिकी जी अपने माता के साथ चौसर खेलने लग गए और माता पार्वती को हरा कर सब कुछ वापस ले लिया। बाद में जब गणेश जी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने महादेव के साथ खेल खेला और वो जीत भी गए और इससे महादेव जी दुखी हो गए और कहीं चले गए, जिसके बाद माता पार्वती के कहने पर गणेश जी महादेव को ढूंढने के लिए गए। जहाँ पर महादेव के कहने पर विष्णु जी ने पासे का रूप धारण कर लिया। फिर महादेव गणेश जी से बोले, हमने एक नया पासा बनाया है। और जब माता पार्वती और महादेव खेल खेलने लगे तो हर बार महादेव जीतने लगे। ये देख कर गणेश जी सब समझ गए। फिर उन्होंने माता पार्वती को विष्णु जी के पासे का रूप धारण करने वाली बात बताई। बहुत क्रोधित होकर उन्होंने शिव जी को श्राप दिया कि उनके सिर पर हमेशा गंगा। भगवान विष्णु को श्राप दिया कि त्रेता युग में रावण उनका शत्रु बनेगा और नरक जी को कभी एक जगह ना देखने का श्राप मिला और कार्तिकी को हमेशा बालक अवस्था में रहने का श्राप दिया।